गमले में ढेर सारा अदरक कैसे उगाएं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि गमले में हमें अदरक कैसे उगाना है। इसके लिए दोस्तों हमें कुछ अदरक चाहिए जिसको कि आप मार्केट से लाए हुए अदरक को यूज कर सकते हैं, पर उसमें आपको देखना ये होगा कि उस अदरक में कुछ जो इनकी आईज होती हैं, बड्स होती हैं, ये अदरक आपको मार्केट में जो मिलते हैं उनमें आपको बड्स दिखाई देंगे। तो जिसमें ज़्यादा बड्स हों वैसे अदरक अगर आप यूज करते हैं तो उनमें जल्दी ग्रोथ निकल आती है। किसी भी अदरक में ग्रोथ होगी अगर आप उसको लगाएंगे, पर जिनमें बड्स ज़्यादा होंगे उनमें ग्रोथ जल्दी आएगी। तो दोस्तों अदरक लगाने के लिए आपको गार्डन जो मिट्टी चाहिए वो भुरभुरी चाहिए और वाटर ज़्यादा रुके ना उस मिट्टी में। तो आप अदरक की मिट्टी तैयार कर सकते हैं 50% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट और 20% कोको पीट या रेत मिला के, और उन्हें इस तरह देखिए आप ज़मीन में ग्रो बैग में लगा देना है। मैं आपको दो तरह से दिखाऊंगा, एक डायरेक्ट ग्रो बैग में और एक मैंने सीडलिंग्स लगा के उन्हें तैयार करके ग्रो बैग में शिफ्ट किया है। अदरक को ज़्यादा नीचे नहीं लगाना है, उनको सतह से 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे ही लगाइए, क्योंकि वो ज़्यादा नीचे रहते हैं तो फिर जल्दी निकल नहीं पाते हैं। और अदरक लगाने के बाद आप इसमें इस तरह से वाटरिंग कर दीजिए, वाटरिंग भरपूर कीजिए। एक पहली बार जब आप वाटरिंग करते हैं तो भरपूर कीजिए, उसके बाद फिर मिट्टी ड्राई होने तक वाटरिंग ना करें, वाटरिंग से बचें। तो दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। और अदरक उगाने की पूरी जानकारी लेने के लिए दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, मैं स्टेप वाइज सारी डिटेल आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये अदरक लगाने की वीडियो है, और अब आप देखेंगे कि अदरक मेरी जब ये 20 दिन बाद का रिजल्ट है, अदरक थोड़ा टाइम लेता है दोस्तों ग्रो होने में, इसमें देखिए छोटे छोटे पौधे जर्मिनेट हो रहे हैं अदरक के। ये जो मैंने दोस्तों सीडलिंग्स अलग लगा रखी थी मैं उसका वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, उसका ग्रोथ दिखा रहा हूँ। इनकी जर्मिनेशन इस प्रकार है, ये प्लास्टिक पॉट में लगा रखा है, तो ये छोटे छोटे इनको अंकुरण में टाइम लगता है, उसके बाद फिर ये पौधे बहुत तेज़ चलते हैं। अब ये पौधे मेरे 45 दिन के हो गए हैं और इनको मैं ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ बड़े ग्रो बैग में। अदरक लगाने के लिए जो आपको ग्रो बैग की साइज़ चाहिए होती है बहुत ज़्यादा डीप नहीं चाहिए होती, गहरा नहीं चाहिए होती है। तो मैं अपने 9x18 की ग्रो बैग में 9 इंच की हाइट है उसकी गहराई और 18 इंच उसकी चौड़ाई है, मैं उसमें आपको शिफ्ट करके दिखाता हूँ। और दूसरा जो मेरा ग्रो बैग है वो 1 फुट उसकी ऊंचाई है गहरान और 3 फुट उसकी लंबाई है। तो मैं 2 जगह पे इस अदरक को ट्रांसप्लांट करूँगा और फिर उसके बाद मैं आगे का अपडेट भी आपको दिखाऊँगा। तो अदरक को जब दोस्तों हम निकालते हैं सीडलिंग से तो इसकी रूट्स मैं आपको दिखाता हूँ बहुत हेल्दी हो गई हैं। इसे हल्के हाथों से मिट्टी को हटाना है और उसमें से सभी अदरक को, जितने अदरक हैं, एक अदरक से आपके 3 से 4 स्टेम निकले होते हैं तो उन्हें अलग अलग कर लेना है। इस प्रकार देखिए ये रूट्स देखिए इनकी कितनी हेल्दी हैं, तो इन्हें अलग अलग करके हमने निकाल लेना है। और निकालने के बाद जो हमने सॉयल मिक्सचर है जो अदरक लगाने का, उसमें आप चाहें तो 50% गार्डन सॉइल के साथ 30% वर्मी कंपोस्ट और बाकी के बचे 20% में आप इसमें कोको पीट या सैंड, रिवर सैंड यूज कर सकते हैं, जो कि वाटर होल्ड नहीं होने देता हमारी मिट्टी में, ग्रो बैग्स में वाटर इसको निकलने का पूरा जो है स्पेस देता है। अब देखिए अदरक की रूट्स कितनी अच्छी निकली हुई हैं और कितना हेल्दी जो है रूट है इसका, सारे रूट्स बिल्कुल वाइट वाइट प्योर रूट्स निकले हुए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इन अदरक को निकाल के अलग कर लिया है और अब हम इन्हें अपने ग्रो बैग में लगाएंगे। तो दोस्तों अदरक मैं आपको पूरी तरह से मिट्टी हटा के इन्हें दिखाता हूँ। अदरक की केयर दोस्तों कैसे होती है कि आपको जब अदरक आप लगाते हैं तो उन्हें लगाने के बाद इन्हें वाटरिंग बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ये धूप पसंद करते हैं, और इनकी केयर के लिए आपको महीने में एक बार गार्डन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डाल के हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए, इससे ज़्यादा इन्हें केयर नहीं चाहिए। और अदरक तैयार होने में कम से कम 7 से 8 महीने ले लेता है। जब अदरक आपकी पूरी तरह से तैयार होगी तो उसकी पत्तियाँ सूख जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपकी अदरक अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गई है।
देखिए मैं इस 3x1 के ग्रो बैग में अपनी 7 से 8 पौधे अदरक के लगा रहा हूँ और ये पूरा ग्रो बैग भर जाएगा अदरक से, इस 7-8 पौधों के से ही। इसका अगला जब अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो उस अपडेट में आप देखिएगा कि ये ग्रो बैग पूरा अदरक से भरा हुआ होगा, मतलब अदरक की जो पत्तियाँ हैं, आप अदरक की पत्तियों को भी यूज कर सकते हो, इसमें पूरी तरह से अदरक की स्मेल आती है और पूरा टेस्ट अदरक का होता है। आप चाय बनाने में या किसी सब्जी में आप अदरक की पत्तियाँ तोड़ के डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका, चाय बहुत टेस्टी बनती है। तो अदरक की पत्तियों का भी आप पूरा यूज कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लगाना है इसकी अदरक को, अदरक को ऊपर ही ऊपर रखना है, 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे, 3 सेंटीमीटर तक नीचे लगा लीजिए आप, क्योंकि अदरक जो फैलती है वो जब इसमें से नए स्टेम्स निकलेंगे तो अदरक ऊपरी सतह के आसपास ही फैलती है, बहुत नीचे नहीं जाती है, इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा नीचे हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा गहरे पॉट्स की या ग्रो बैग्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ये अदरक लगा लिया है अपने ग्रो बैग में। ये हमारा 3x1 का ग्रो बैग है, जिसको मैंने जो मेरा सॉयल मिक्सचर है वो 50% काओ गार्डन सॉयल, 30% काउडंग कंपोस्ट, और मैंने कोकोपीट यूज किया, साथ में थोड़ी सी राइस हस्क यानी कि धान की भूसी को भी मैंने यूज किया हुआ है। और इसमें लगाने के बाद हम पूरी तरह से अच्छे से वाटरिंग कर देंगे, जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर ना निकलने लग जाए फर्स्ट टाइम। उसके बाद हम जब तक ड्रेनेज वो मिट्टी ऊपर की परत सूख नहीं जाती तब तक हम पानी नहीं देंगे इसमें, क्योंकि ज़्यादा पानी से अदरक जो है वो ख़राब हो जाता है, चूँकि ज़मीन के अंदर बढ़ने वाली है, तो ज़्यादा पानी लगने से इसमें वो अदरक में फंगस लगने का डर बनता है। तो ज़्यादा पानी, वाटरिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, वाटरिंग तभी करनी है जब सॉयल आपकी सूखी हो। तो दोस्तों इस प्रकार हमने वाटरिंग कर ली है इसमें, और वाटरिंग करने के बाद इसे हम किसी शेडेड एरिया में अभी रखेंगे, जब तक कि ये पौधे हमारे रूट्स इनकी ग्रोथ नहीं पकड़ देती हैं। उसके बाद फिर हम इसको धूप में ट्रांसप्लांट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये 2 महीने के बाद के पौधे हैं, आप देखिए इनमें ग्रोथ, 2 महीने के पौधे हैं। अब ये दोस्तों 8 महीने बाद हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।